होंगे तो मैं आज आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो आज हम लोग जा रहे हैं एक नई जगह की खोज करने के लिए। तो गुज़िश्ता रोज़ मैं यहाँ से निकला था तो मुझे एक जगह नज़र आई। उस जगह पे वैसे मैं घूमता फिरता वहाँ पे चला गया, वहाँ की खूबसूरती बहुत अन थी। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल का आइकन कर दिया करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आप चलो चलते हैं और रास्ते में आप लोगों को बताते हैं हम कहाँ आए। तो दोस्तों हम लोग आज जा रहे हैं, आपको ये हमारा आ गया डिग्री गवर्नमेंट पोस्ट में जो भाई साहब रिक्शे वाले भाई साहब। तो ये इस वक्त हमारे दाईं तरफ जो है बिल्कुल डिग्री कॉलेज है और बाईं तरफ डिग्री कॉलेज का ग्राउंड। तो अभी हम लोग जा रहे हैं एक नई जगह पर जो जहाँ पर बहुत कम लोग जाते हैं। और मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं भी यहाँ पर तकरीबन फर्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ। एक दफ़ा पहले गया था, इन्हीं एक दो दिन पहले। तो एक मिनट भाई साहब, आप गुजर जाएं पहले, फिर हम गुजर जाते हैं। तो यार जगह बहुत खूबसूरत लगी मुझे, इसलिए मैं आज फिर अपने साथ अपनी टीम लेके आया हूँ। मैंने कहा क्यों ना कि इसको शूट किया जाए और आप लोगों को भी दिखाया जाए कि ऐसी जगह कहाँ मिलती है देखने को। यार ये हमारा कश्मीर है, मुजफ्फराबाद है, ये सिर्फ यहाँ पर ही ऐसी खूबसूरतियाँ आपको देखने को मिलेंगी। तो चलते चलते आप लोगों के साथ गपशप भी करते हैं हम। तो एक बात और ज़रूरी बात एक आप लोगों से शेयर करनी थी। तो मैं अभी ये देख रहा हूँ कि मेरे जो व्यूअर्स आ रहे हैं वो सब्सक्राइबर जो हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मुझे कम परसेंट देख रहे हैं। मतलब मुझे 60% जो हैं वो लोग देख रहे हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, और 40% वो लोग देख रहे हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो साथ ही मैं आप लोगों को ये दिखाता हूँ, ये मेरे बाईं जानब नीचे वाटर सप्लाई है और यहाँ से हमारे पूरे मुजफ्फराबाद सिटी को पानी, जिसका निज़ाम जितना भी है सारा यहाँ से ही सप्लाई होता है। तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये देख लें आप, ये जो है ये नीचे से ये सारा जो है ना, ये सामने जो है चेला ग्राउंड आ जाता है और ये नीचे सारा वाटर सप्लाई है। तो चलो चलते हैं फिर आगे की तरफ, देखते हैं और आगे क्या हो रहा है। तो मुझे नहीं पता इस वक्त ये आ गई नादरा की गाड़ी। अगर किसी ने आईडी कार्ड नहीं बनवाया तो वो ये नादरा की ये इस गाड़ी वाले से बनवाना, ये सस्ता बना के देता है। ये आप लोगों के लिए एक फ्री की एडवाइस थी। तो साथ में चलते चलते ये अभी हम जा रहे हैं माकड़ी वाली रोड पर। आई थिंक इस रोड पर आगे जाते जाएंगे और यहाँ से आगे से एक टर्न लेना है। उस टर्न से मैं आप लोगों को साथ साथ बताता भी जाऊँगा हम जाएंगे कहाँ। और एकदम वो सामने बिल्कुल आप लोगों को रोड नज़र आ रही होगी, उस रोड से हमने जाना है ऊपर। तो अभी चलते हैं हम और आप लोग राइड बाइक इंजॉय करें। मुझे नहीं पता मेरी आवाज़ कैसी आ रही होगी आप लोगों को, हवा भी बहुत तेज़ है और मैंने कोई, ये मेरा जो गोप्रो है ये थोड़ा सा मूव भी कर रहा है। तो चलते चलते बातचीत भी करते हैं तो साथ साथ जो है आप लोगों को दिखाते भी हैं कि क्या सूरत हाल है। तो चलिए चलते हैं। ओ भाई साहब जंप आ गया। तो ये रहा, तो मैं जब फर्स्ट टाइम यहाँ इस रोड पे आया था मैं यहाँ तक आया था। वहाँ पे जो है मेरे अब्बू के दोस्त रहते हैं, मैं उनके किसी रिलेटिव की शादी पर यहाँ पर आया था। तो ये हम लोग पहला पुल क्रॉस करने लगे और हमारी दाईं तरफ कट्ठा आ जाता है। कट्ठा हमने बाहर कट गया है, पहला कट्ठा हमने क्रॉस कर दिया है
पहले पहले ना शुरू शुरू में मैं आप लोगों को बताऊं, जिस वक्त हम लोग कोई भी कट्ठा क्रॉस करते थे ना, तो मेरे मुंह से अचानक बस निकल जाता था कि देवसाई कट्ठा हमने क्रॉस किया। तो मैं जो भी कट्ठा क्रॉस करता था मैं बोलता था देवसाई कट्ठा हम क्रॉस कर रहे हैं जी, देवसाई कट्ठा आ गया। तो अब ये हमने यहाँ से लेना है ऊपर की तरफ टर्न, और हमने हाइट पे जाना है, और इसीलिए हम यहाँ से टर्न लेने लगे हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको मेरी कमेंट्री पसंद आ रही होगी साथ साथ। तो अब मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ी सी मेरी आवाज़ आपको कम है, क्योंकि यहाँ पे बाइक चलने वाला है पहले दूसरे गियर में, और सड़क की सूरत हाल भी आप लोगों को साथ साथ दिखाता रहूँगा। और यहाँ ऊपर से आपको व्यू भी नीचे का नज़र आता रहेगा। और भाई साहब चढ़ जाना, और आप लोग भी देखिए ये अभी हम थोड़ी सी हाइट पर आ गए, और यहाँ से देखिए शेर जो है ना, हमारे शेर की खूबसूरती अगर किसी ने देखी नहीं है ना, तो वो इस जगह पर आ जाए। इस रोड का नाम, इस जगह का नाम मुझे भी नहीं पता। आप लोग वीडियो को पूरा देखते रहिए, आगे चल के कोई अगर हमें यहाँ का मुकामी बंदा नज़र आएगा तो हम उससे पूछ लेंगे इस जगह का नाम क्या है। दोस्तों आप लोगों ने देखा अचानक की गाड़ी आ गई थी, और ये इस रोड पे बिल्कुल जो है थोड़ी बहुत रोड बीच में से ख़राब भी, और बीच में बहुत ख़तरनाक ख़तरनाक मोड़ है, इसलिए हम जो है बिल्कुल आराम सुकून से जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए जी, वाह जी क्या नज़ारा है यार, क्या ही नज़ारा है। यहाँ से जो है हमारा सिटी तकरीबन जो है यहाँ पे आपको हमारा सिटी पूरा नज़र आ रहा है। ये सामने वाला एरिया सारा चेला का है, इस जगह का नाम है चेला बांगी, और इसी के साथ वो जो नज़र आ रहा है वो ईदगाह की, यहाँ से हमारा पूरा शहर तकरीबन नज़र आता है। अभी जब हम और हाइट पे जाते जाएंगे और फिर हमें और ज़्यादा सिटी नज़र आता रहेगा। दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पर रुके हैं, और जहाँ से आप लोगों को नज़ारा दिखाते हैं, क्या नज़ारा है यार। ये सामने वाला जितना भी एरिया है ना, ये सब जो है ये चेला बांडी वाली साइड है, और चेले से आगे फिर वो सामने जो है वो पुल नज़र आया, वो धनी वाला पुल है। और ये जो इस पहाड़ पे जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, इस पहाड़ पे ये जो है ये आ जाता है धनी माई साहिबा, इस जगह का नाम है। और ये जो पहाड़ आप लोग मेरे बिल्कुल सामने देख रहे हैं, इस पहाड़ के बारे में आप लोगों को बताऊं, जब 2005 का जलजला हुआ था, उस जलजले में ये पहाड़ जो है इट्स स्लाइड हो गया था, और ये पहाड़ आधा जो है टूट गया था। तो यहाँ पर जलजले में, 2005 के जलजले में यहाँ मुजफ़्फ़राबाद में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, बहुत लोगों का नुकसान हुआ था। तो अभी यहाँ का नज़ारा मुझे तो यार बहुत मज़ा आ रहा है, मैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। तो चलो चलते हैं फिर आगे का, देखते हैं क्या सूरत हाल है। तो तस्वीरें मेरी अगर आप यहाँ पे, हम पिक्चर अभी लेंगे, फ़ोटो शूट करेंगे थोड़ा, तो तस्वीरें जो है आप लोगों को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देखने को मिलेंगी। अगर आपने फेसबुक पर मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप फेसबुक पर भी फॉलो कर दें, ये यहाँ नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में जो है आपको दे दूँगा लिंक अपना फेसबुक का। तो चलो चलते हैं फिर आगे, देखते हैं क्या होता है। चलो तो दोस्तों
आप लोगों ने देखा यहाँ की रोड कितनी ज़ालिम रोड है और नज़ारे, वाह यार क्या नज़ारे हैं यहाँ से, वाह बहुत सामने चोटी देख रहे हैं आप। यहाँ पे जो मज़ा है ना यार, क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, ऐसी सीनरी ऐसी खूबसूरती आप लोगों को बहुत कम देखने को मिलेगी मुजफ़्फ़राबाद शहर में। ये मुजफ़्फ़राबाद शहर की ऐसी जगह है जहाँ पे आपको ये चीज़ सीनरी खूबसूरती पूरा सिटी का व्यू सब कुछ आपको लोग देखने को मिलेगा। और इसी के साथ हमारा बाइक हो चुका है गरम और मेजिंग करना शुरू हो गया। दोस्तों आप लोग देखें यहाँ पे चीड़ के दरख्त इतने खूबसूरत और यहाँ पर इतनी ठंडी हवाएं चल रही है ना, गर्मियों के लिए ये जगह बेस्ट है मेरे। मुझे तो लगता है ऊपर हमें बर्फ ही मिलने वाली है क्योंकि सड़क जो है गीली गीली लग रही है, तो देखते हैं क्या होता है आगे क्योंकि हम भी यहाँ फर्स्ट टाइम आए। रोड कहीं ताज़ी ताज़ी बनी हुई है, क्या नज़ारे हैं यहाँ के। तो ये रहे मेरे कैमरामैन एहसान भाई, ये मेरी सारी वीडियो यही शूट करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे रुक गए, अभी यहाँ का यार ऐसा माहौल है, ऐसा नज़ारा है ना कि वापस जाने को दिल नहीं कर रहा, मतलब ऐसा यहाँ पे क्या बोलूँ मैं यार, कोई अल्फाज ही नहीं है मेरे पास यहाँ पे बयान करने के। तो दोस्तों जगह आप लोगों को कैसी लगी ये कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे यहाँ पर कि मैं बयान भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पर इसी के साथ ये एक बाइक और यहाँ से ऊपर आता हुआ, हमारा बाइक जो है काफ़ी हद तक गर्म हो चुका है इसीलिए हम यहाँ पर रुक गए और बाइक मिसिंग कर रहा है यहाँ पर, पता नहीं क्या इशू है, बाइक का इशू है या फिर यहाँ पर होता है ऐसे सब के साथ, क्योंकि चढ़ाइयाँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप लोगों को मिलने वाली हैं। तो चलो चलते हैं फिर, देखते हैं आगे। चलो जी एहसान भाई, तो ठीक है फिर मैं अभी अपना गोप्रो लगा रहा हूँ, गोप्रो मेरा देसी गोप्रो है वो मैं आप लोगों को नहीं बताऊँगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखें ऊपर, अगर तो ऊपर से आई हुई है स्लाइड, तो ये नीचे रोड ऊपर गाड़ियाँ चल चल के रोड थोड़ी सी क्लियर हो गई है। तो अभी चलते हैं हम, देखते हैं आगे, यहाँ से आगे हमें क्या नज़र आने वाला है।
क्योंकि ये नया जब व्यू होता है ना, नई कोई जगह होती है ना, वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली जगह होती है। आप लोग तो क्या, मैं खुद इतना एक्साइटेड हूँ ये जगह को लेके, मैं खुद इतना एक्साइटेड हूँ इस जगह को देखने के लिए, इसकी खूबसूरती। और अब अगर मेरा गोप्रो आप लोगों को दिखाए तो मेरे बाईं तरफ देखिए, वाह यार क्या नज़ारा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है भाई ये हम जो है ना जन्नत से कम नहीं है, ये बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत वैली है। और स्लाइड आ गई और पीछे एक पत्थर है गिरा तो हम उससे बच कर आगे आ गए। दोस्तों हमें यहाँ के कुछ मकामी दोस्त मिल गए, इनके साथ मेरा काफ़ी अच्छा तलक भी है। ये वाकफ़ निकल आए, इस जगह का नाम है कलस सेरी दरा, कलस सेरी दरा ना, कलस सेरी दरा। तो अगर आप लोग यहाँ पे आना चाहते हैं तो आप लोगों को मैं गाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दे दूंगा। तो यहाँ का व्यू आप लोग देख सकते हैं सामने, हाई स्कूल सेरी दरा किस जगह पर, ये तो ये हमारे बिल्कुल सामने इस वक्त हाई स्कूल सेरी दरा है, अभी ये इंटर कॉलेज बन गया है। तो यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा है, ये यहाँ से जो है बिल्कुल पूरे सिटी का जो है नज़ारा आप लोगों को करने को मिलता है। ऐसी जगह अगर आप पाकिस्तान के किसी इलाके से हैं तो आपको ऐसी जगह वहाँ पर देखने को बहुत कम मिलेगी। तो अभी हम लोग चलते हैं आगे और देखते हैं आगे क्या होता है। अभी पीछे हमें हमारे भाई मिले थे, वो उनके साथ हमारा काफ़ी अच्छा तल्लक है। तो मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि वो हमें बता रहे थे, चलो हमें उनसे थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई। उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चलती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है, अगर आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आना चाहें तो आप, तो ये देखें ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारे पास से गुजरी है। जो यहाँ के मकामी लोग हैं वो ज़्यादातर इस गाड़ी पे सफ़र करते हैं। तो यहाँ पे बिज़नेस क्लास पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चलती है, यानी पिजारो और इस तरह की बड़ी 4x4 गाड़ियाँ भी यहाँ पर चलती हैं, क्योंकि आगे ऑफ रोड भी मिलने वाला है। अभी तक तो सड़क बिल्कुल पक्की है और हमने ये इरादा किया कि जब तक सड़क पक्की है हम इस रोड पर जाएँगे, हम ये रोड बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो जहाँ से ऑफ रोड स्टार्ट हुई हम वहाँ से वापस आ जाएंगे, क्योंकि ऑफ रोड में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और ये कलस सेरी दरा, यहाँ से आप पीर चनासी भी जा सकते हैं, ये भी हमें उन्हीं भाई से पता चला। लेकिन यार यहाँ का व्यू आप लोग देखें, ऐसा नज़ारा, ऐसा नज़ारा आप लोगों को पीर चनासी से, अगर आप पीर चनासी जाते हैं और आप कहते हैं एडवेंचर हो आपका, तो आप इस रूट से आएँ, आपका एडवेंचर भी होगा और आपको जगह भी बहुत देखने को मिलेगी। और वो पार जो बिल्कुल सामने एक कट्ठा नज़र आ रहा है, आबशार, आबशार टाइप नज़र आ रही है आप लोगों को। अभी हम उसके पास, वो आबशार हमने क्रॉस करनी है, तो वो उस आबशार के पास हम थोड़ा रुकेंगे। पता चला यहाँ पे 7-8 किलोमीटर का रास्ता है, और 7-8 किलोमीटर के रास्ते में हमें एक होटल मिलने वाला है। उस होटल पर हम रुकेंगे और वहाँ पर हमारा व्लॉग एंड हो जाएगा। अभी चलते हैं, और वो सामने बर्फ़ ही नज़र आ गई, लेकिन बर्फ़ काफ़ी दूर है, हम आज बर्फ़ तक नहीं पहुंच सकेंगे। हर जगह बहुत खूबसूरत है, अब जो जो हम ऊपर आए यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता ठंड भी महसूस हो रही है हमें। तो ये आ गया छोटा सा बाज़ार, और बड़े भी हैं, और ये हम विकेट के अंदर से ही गोल, और ये दूसरी विकेट के अंदर से भी गो। यार मतलब क्या ही नज़ारे हैं यार, ये बिल्कुल गांव वाला माहौल है यहाँ पर, बिल्कुल गांव वाला माहौल है। उधर गई यार वो आबशार, अब मैं थोड़ा सा स्पीड अप करने वाला हूँ। यार मिल गया इधर एक शूट, तो दोस्तों एक बार फिर से देवसाई कट्ठा आ गया है, और अभी हम ये पहला कट्ठा क्रॉस करने वाले हैं। एहसान भाई मेरे पीछे बैठे हुए और मैं उनको नहीं उतारूंगा, पहले हम अंदाज़ा कर लेते हैं ये कितना गहरा, नहीं ये तो इतना गहरा नहीं है। तो चलो चलते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, और ये हमारे पाँव,
अस्सलाम वालेकुम। तो ये रहा था पहला कट्ठा। मेरा कैमरामैन जो है ना वो थोड़ा सा थक जाता है और मेरा गोप्रो बार बार नीचे हो जाता है, तो इसलिए मैं जो है ना गोप्रो को लिफ्ट करके ऊपर करना पड़ता है। ठीक है, तो यार क्या अंत रोड है यार, क्या नज़ारे यार यहाँ के, वाह। आप लोग मेरी एक्साइटमेंट देख सकते हो, मुझे यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इन्जॉय कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ऐसी जगह मैंने पहले कभी नहीं देखी अपनी ज़िंदगी में। और ये देखें एक अंकल जो है आंटी को लेके, और ये आंटी तो हमारे मोहल्ले की थी, ये इधर क्या कर रही है सोचने की बात है, चलो होंगे कोई रिलेटिव तो होटल किसी से पूछ लेते हैं, किसी से पूछ लेते हैं। आप वो वीडियो ना बन गए तो अभी हम यहाँ पे रुके हैं। ये कलश सेरी दरा चिलेहान लिखा है, ये एक ही होटल है इस पूरे इलाके में टोटल। अगर आप लोग यहाँ पर आएँ तो साथ में खाने का इंतज़ाम रख के आएँ, वरना यहाँ तक पहुँचने से पहले पहले आपको और रास्ते में कोई भी होटल नहीं मिलेगा। हम तो खाना खा के आए थे, अब हम यहाँ पे चाय पियेंगे। मुजफ्फराबाद से 30 मिनट की ड्राइव पर एक बहुत ही शानदार जगह। एक बहुत ही खूबसूरत जगह जहाँ के नज़ारे वाकई जो है ना देखने के काबिल हैं। अभी एहसान भाई जो हैं वो सामने बैठे हैं और इस होटल में बैठने की जगह बाहर ही है, अंदर भी है, वैसे हम खुद बाहर बैठे हैं, बाहर ज़रा व्यू अच्छा आ रहा था तो मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ। मैं आप लोगों को व्यू दिखाना चाह रहा हूँ, आते वक्त तो आप लोगों ने देख ही लिया, लेकिन मैं आप लोगों को जो व्यू अभी दिखाने वाला हूँ वो जो है ना, ये बीच में दरख्त आ रहे हैं ना, तो चलते चलते तो ये जो है ये पीछे जो है पहाड़ों पे बर्फ़ें भी हैं, अभी भी इस पहाड़ पर बर्फ़ है। आज पहाड़ के हम लोग यहाँ पर आ गए थे तो अभी जो है हम यहाँ पर रुके हैं एक होटल पे, जहाँ पे हम चाय शाय पियेंगे, तो साथ ही मतलब आप लोग नज़ारा देखें ज़रा यार, क्या खूबसूरत जगह यार, क्या कुदरत है अल्लाह पाक की। मैं फर्स्ट टाइम इस जगह पर आया हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने भी ये जगह नहीं देखी होगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये जगह नहीं देखी होगी। जिन्होंने देखी है भाई उनके लिए सॉरी, और जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए ये यकीनन एक सरप्राइज़ होगा। तो अभी ये मैं एक ये मेरा व्लॉग ही समझें, तो अभी इस व्लॉग में बहुत सारी बातें होगी आप लोगों के साथ। अभी हम चाय पियेंगे और वापस निकल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को यहाँ पर ही करूँगा मैं एंड। तो जगह तो आप लोगों ने देख ली, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जगह कैसी लगी, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपका एक लाइक हमारी बहुत सारी हौसला अफजाई बढ़ जाती है इससे, आपके एक लाइक से। तो ठीक है फिर इंशाल्लाह मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।